छत्तीसगढ़ में धान की बंपर खरीदी हुई है। जी हाँ, अब तक 11.13 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। 3.34 लाख किसानों को, आपको ये भी बता दें कि 1772.92 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। राजनांद गांव में 1,19,000 मीट्रिक टन खरीदा गया है धान। वहीं कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठान भी किया जा रहा है। प्रदेश में 2,49,000 मीट्रिक टन का डीओ भी जारी कर दिया गया है। शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, धान खरीदी जारी है, लेकिन इसी के साथ ही अच्छी और बंपर धान खरीदी जो है वो प्रदेश में चल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए जिस तरीके से बीते 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, और अगर पिछले 8 दिनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है एक बम्पर तरीके से धान खरीदी देखने को मिल रही है। बता दें कि 3,33,000 से अधिक किसानों से करीब 11,12,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पर कर ली गई है। अगर जिलेवार आंकड़ों की बात की जाए तो राजनांदगांव जो है धान खरीदी के मामले पर पहले पायदान पर देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव में करीब 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी कर ली गई है। इसके साथ ही बलौदा बाजार और जो बेमित्रा है ये दूसरे और तीसरे पायदान पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि जो है छत्तीसगढ़ पर करीबन 101 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, और पिछले 8 दिनों में ही जो उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों पे, धान खरीदी केंद्रों पर जो भारी संख्या पर भीड़ नजर आ रही है जी, उससे ये समझ आ रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है, और एक फिर एक नए आंकड़े जो है यहाँ पर रिकॉर्ड के बनाए जा सकते हैं आने वाले समय पर। बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर राशि भी जारी कर की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। ये भी देखने को मिल रहा था कि केंद्र पर भूपेश सरकार जो है वो बारदाने की कमी को लेकर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि किसानों ने भी ये भी जताया था, तस्वीरें भी कुछ साझा की थी कि बारदाने की कमी हो रही है और कुछ बारदाने उनको फटे गले भी मिल रहे हैं। क्या उसकी समस्या यहां पर सुलझा ली गई है? देखिए, लगातार जिस तरीके से बारदाने की कमी पिछले दिनों से देखने को मिल रही थी, 1 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी थी, और उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षण भी कर रहे थे धान बारदाने की कमी को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि केंद्र से उतनी संख्या पर जो है बारदाना छत्तीसगढ़ पर नहीं आ रहा है, उसके बाद जो है राइस मिलरों के साथ बैठक कर कई कुछ समन्वय बनाया गया सभी के बीच पर, और अब जो है धीरे धीरे स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। बीच में जो है सरकार ने दिखाई दे रही है, और बिल्कुल शिवम ये राहत भरी खबर है कि बंपर धान की खरीदी जो है वो हो रही है। किसानों के लिए भी बड़ी ही राहत भरी खबर है ये। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान की बंपर खरीदी समय हो रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, कर्मचारी संघ मंत्रालय का घेराव करेंगे, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी घेराव करने वाले हैं। वहीं ये भी आपको बता दें कि मांगें न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहां दे दी है।